अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक अब भिवंडी में, जहां हर तरह के स्किन ट्रीटमेंट जैसे एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, स्ट्रेच मार्क, हेयर ट्रीटमेंट जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड, आईब्रो, पीआरपी थेरेपी, साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे फेस लिफ्ट, नोज रीशेपिंग, लिपोसक्शन, टमी टक सर्जरी अफोर्डेबल और सेफ प्रोसीजर के साथ की जाती है। एक बार जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन क्लिनिक एट शॉप नंबर 206 सेकंड फ्लोर कोनार मार्केट नेक्स्ट टू भिवंडी कॉर्पोरेशन ऑफिस जकात नका भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, दवाजी ना सभी का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार बदली होने के बाद में बहुत सारी चीजें जो है वो नई नई नजर आ रही है। हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के बाद में बीजेपी और शिंदे गुट ने जो है इसको टेक ओवर किया महाराष्ट्र सरकार को, और यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार जो फिलहाल मौजूदा है तो वो दूसरों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने में बाज नहीं आ रही। वहीं पे हमने देखा कि आज अब्दुल सत्तार जो कि मंत्री है महाराष्ट्र सरकार के, तो उन्होंने सुप्रिया सुले के ऊपर, एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी, नहीं सिर्फ गाली गलौज भी किया है उनके ऊपर। तो इसको लेकर काफी आक्रोश का माहौल यहाँ पे है। हम देखेंगे कि एनसीपी पार्टी भिवंडी के अंदर एनसीपी पार्टी ने उसका विरोध प्रदर्शन किया है और इसके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ तक कि एनसीपी नेताओं का ये भी कहना है कि अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। तो क्या कुछ है सारा मामला, आइए देखते हैं। देखिए, जो मंत्री अब्दुल सत्तार ने आज जो हमारी सुप्रीमो की बेटी सुप्रिया ताई सुले के खिलाफ जो गलत जुमला इस्तेमाल किया है, वो ताई के ही खिलाफ नहीं, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान की नारियों के खिलाफ उसने ये जुमला इस्तेमाल किया है। और उसे ये नहीं, इससे ये जाहिर होता है कि उसकी माँ बहनों की इज्जत कैसे करना उसे नहीं मालूम। और ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि अब्दुल सत्तार की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये सिर्फ सत्ता पार्टी की तरफ ही वो ज़्यादा उनका झुकाव रहता है। जब वो कांग्रेस में थे, जब सरकार कांग्रेस की थी तो मंत्री पद लेके बैठे, उसके बाद कांग्रेस छोड़ के शिवसेना में ये प्रवेश किए और मंत्री पद लिए। जिन्होंने उद्धव ठाकरे साहब ने उस पर इतना भरोसा करके मंत्री पद दिया और इतना विश्वास जताया, वहाँ पर उन्होंने पीठ के पीछे खंजर घोप के जो शिंदे गट के साथ वो गद्दा भागने के जो भागे और जो गद्दारी की, इससे साफ जाहिर होता है वो किस टाइप के इंसान हो सकते हैं। ऐसे गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। जो 50 करोड़ के लिए जो बिक गए, देश में बिकने का काम किया उन्होंने, आज ऐसे गद्दारों को, वैसे आज महाविकास आघाड़ी के हटने से हिंदुस्तान में कितनी तकलीफें हो रही है। आज देखिए, दो दो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आज महाराष्ट्र से चली गई है। तो इसी तरीके से जो इन्होंने जो गलत जुमला इस्तेमाल किया उसका हम निषेध भी करते हैं। आज भिवंडी राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से हमने आंदोलन किया। अभी हमारी मांग यही है उस पर केस दर्ज हो और उसका इस्तीफा लिया जाए, और अगर ये नहीं होता है हम बड़े पैमाने पे यहाँ पे धरना मुरना आंदोलन हमारा चालू रहेगा। और मैं सिंधेगढ़ को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ा भी शर्म लिया होगी उसका इस्तीफा वापस लिया जाए, और अगर सत्तार भिवंडी में अगर आ गए
तो हम उनको चूड़ी पहनाने का काम जरूर करेंगे और चूड़ी पहना के शहर के अंदर पूरा घुमाने का काम करेंगे और उनके चेहरे पे कालिक लगा के गधे पे बैठाने का काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तरीके देखा गया कि आज के दिन जो है महाराष्ट्र के कृषि मंत्री जो है अब्दुल सत्तार, इन्होंने कैसा एक महिला के बारे में आपत्तिजनक जो है भाषा वापरा है। मुझे तो अपने जो राजनीतिक करियर है और मैंने जितने लोगों से भी बात किया है, महाराष्ट्र की राजनीति में कभी ऐसी चीज़ हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। महिलाओं के बारे में एक ऐसे सत्ते में बैठे हुए लोग महिलाओं के बारे में जो अपमानजनक बातें कर रहे हैं, इससे उनकी मानसिकता पूरी तरीके से जाहिर है कि वो किस तरीके से पब्लिक के ऊपर अपना अत्याचार करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज यहाँ पर निषेध व्यक्त किया गया है, अगर उनका राजीनामा नहीं लिया गया और उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो इससे बढ़ चढ़ करके हम लोग आंदोलन ऐसे व्यक्त करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं नालायक अब्दुल सत्तार का हम लोग यहाँ पे निषेध करते हैं कि जिस तरह से उसने जो वर्डिंग कहा है उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। इस तरीके से गंदी गाली उन्होंने दी है जिसके कारण तमाम महिलाओं के मन में, जिन्होंने ये सुना है उनके मन में लज्जा उत्पन्न हुई है, तो 354 के तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। और इनको जो सत्ता का जो नशा चढ़ा हुआ है, पन्नास खोखे लेके एकदम ओके हुए हैं, तो उनको मालूम नहीं है कि राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता जब रोड पे उतरेंगे ना तो उनकी क्या हालत करेंगे। और मैं तमाम हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की तरफ से कहती हूँ कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक, या हमको इसका इस्तीफा चाहिए, जब तक इस्तीफा नहीं देगा तो ये आंदोलन आगे चल के उग्र रूप पकड़ेगा। आज आमची ज्यांच्यावर आस्था है सुप्रिया सुळे, आज त्यांच्याबद्दल त्या बडवा अब्दुल सत्तार यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे हे अतिशय निंदनीय आहे आणि त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि त्यांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे। आमच्या सरळ भाषेत नेमका पत्ता कडवा आहे, अब्दुल सत्तार भडवा आहे। या गोष्टीचा मी अब्दुल सत्तार याचा निषेध करतो। हा 10 पार्ट्या बदलून आलेला सत्तार आहे, हा सत्तार नाही, हा सुतार आहे, म्हणून याचा मी जाहीर निषेध करतो। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने आ गया है लास्ट चॉइस एंड कंपनी, जिनका भिवंडी में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सेल्स आउटलेट है। बेहतरीन किस्म के फैशनेबल कपड़े निहायत ही वाजिब दामों में, वो भी फ्री ऑल्ट्रेशन के साथ, जहां आपको मिलेंगे टी शर्ट्स 99 में, ट्रैक 199, शर्ट्स 299, फंकी जीन्स 399 और ब्रांडेड जीन्स 499 में। दिवाली ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही विजिट कीजिए शॉप नंबर 1 सुप्रीम होटल धामनकर नाका भिवंडी।